हम इंश्योरेंस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए लेते हैं, राइट? छोटी मोटी तकलीफों को तो हम वैसे भी मैनेज कर ही लेते हैं। इंश्योरेंस को तो हम उन रिस्क्स और उस बुरे वक्त के लिए लेते हैं जो होपफुली हम में से किसी को ना देखना पड़े। तो मेरा बस एक सवाल, बस एक मिनट के लिए उस बीमारी के बारे में सोचिए जिससे आप सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहते हैं, और अब मुझे बताइए आपका हेल्थ प्लान इस सिचुएशन को संभाल पाएगा? हाय, आई एम वानी और इंश्योरेंस के बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही मिसअंडरस्टूड भी है। अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं, मगर LIC और मैं इस वेब सीरीज़ के ज़रिए इंश्योरेंस के बारे में कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस कवर पे। आई नो मेरे सवाल कुछ अनकम्फर्टेबल थे, बट मेरे एक्सपीरियंस में हम अपनी हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना अक्सर देते नहीं हैं। हमारी प्लानिंग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से होनी चाहिए। जब हेल्थ की बात करते हैं तो क्रिटिकल इलनेसेस हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो ही होता है। ये वो बीमारियां होती हैं जिनमें जान का खतरा हो सकता है, रिकवरी पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है, और कुछ केसेस में फॉलोअप ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको प्लान करना होगा महंगे ट्रीटमेंट के हिसाब से, और उस पॉसिबिलिटी के लिए जब आप लंबे समय तक हो सकता है कि काम ना कर पाएं। इसका मतलब ये है कि उस वक्त आपकी इनकम भी नहीं होगी, ये सब बस एक प्लान के साथ। देखिए, जब हिमालय चढ़ना हो वो भी सक्सेसफुली, तो आपके मॉर्निंग वॉक वाले जूते नहीं चलेंगे ना। बस ऐसी ही बात है। क्रिटिकल इलनेस राइडर्स बनाए गए हैं क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। कवर अमाउंट बड़ा होता है और प्रीमियम छोटे। क्यों? क्योंकि ये राइडर जस्ट इन केस वाला राइडर है, इसमें और कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है टैक्स सेविंग्स को छोड़ के। लेकिन ये अपना काम करना जानता है, जैसे कि पेपर वर्क। कोई रीइंबर्समेंट नहीं, कोई भी पेपर वर्क नहीं आपकी डायग्नोसिस के अलावा। अगर आपकी डायग्नोसिस उन 15 इलनेसेस में आती है तो आपका पूरा का पूरा सम अश्योर्ड है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर शर्मा ने एक LIC पॉलिसी में अपने लिए 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड करवाया। बदकिस्मती से मिस्टर शर्मा को स्ट्रोक हुआ, उनकी फैमिली ने उनकी डायग्नोसिस LIC को सबमिट की। अब क्योंकि ये क्रिटिकल इलनेस राइडर है, LIC उनको पूरे के पूरे 25 लाख डिस्पर्स करता है। अब मिस्टर शर्मा की फैमिली के पास ऑप्शंस हैं। LIC आपसे नहीं पूछेगा कि कितने पैसे खर्च हुए। आप सोच सकते हैं ना कि इस फैमिली के ऊपर से कितना बड़ा बोझ उठ गया। मिस्टर शर्मा को बेस्ट केयर मिलेगी और घर के खर्चे भी चलते रहेंगे जब तक वो फुली रिकवर नहीं करते। बस ऐसे ही देखते ही देखते मिस्टर शर्मा एंड फैमिली ने स्ट्रोक के हिमालय को कॉन्कर भी कर लिया। सही टूल्स जब हमारे साथ होते हैं, जब हमें सही सपोर्ट और एडवाइस और एक्सपर्टीज मिलती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है ना? तो सही टूल्स उठाइए और अनसर्टेनिटी को मार भगाइए, आपकी और आपकी फैमिली की फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्थ से। बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप अपने LIC एजेंट के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक आखिरी टिप, LIC ने अपने जीवन शिरोमणि और बीमा श्री पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस राइडर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड किया है। इस हफ्ते आपके 2 मिनटों के लिए बहुत शुक्रिया मेरी और LIC की ओर से। हमारा शो लाइफ इंश्योरेंस मेड इजी हर हफ्ते आपके लिए हाजिर है। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और 2 मिनट में बात करेंगे नॉमिनेशन पर।